बागेश्वर में 4 दिन के अंदर 2 मासूमों की मौत पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने करीब 2.5 घंटे तक नेशनल हाईवे कौसानी गरुड़ बागेश्वर मोटर मार्ग पर जाम लगा दिया। इस दौरान महिलाओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डीएम के नहीं आने पर महिलाएं नाराज हो गईं, जिसके बाद जाम खुलवाने के लिए डीएफओ और पुलिस प्रशासन के साथ ग्रामीणों की तीखी नोकझोंक हुई। बता दें कि बागेश्वर में आदमखोर गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आदमखोर बच्चों को निवाला बना रहा है और वन विभाग और सरकार इस आतंक से निजात दिलाने में नाकाम साबित हो रही है। इस तरह से लगातार गुलदार की घटना से अपना क्षेत्र शुद्ध है। 6 तारीख की घटना दुर्भाग्यपूर्ण रही और कल शाम की घटना भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। शासन से बात की गई, गुलदार को पकड़ने और मारने का शासनादेश जारी हो गया है। सरकार को इस चीज को देखना चाहिए कि गांव में आजकल बाघों का बहुत बड़ा आतंक हो गया। अपने बच्चों को बाघों से नहीं बचा पा रहे, ये बाघों की इनको सरकार को ज्यादा चिंता होगी है। हमारे जो ननिहाल हैं, जो बच्चे हैं, उनकी कोई चिंता नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, जो उच्च पदों पर बैठे लोग हैं, प्रदेश में हो या देश में हो, इनसे मांग करते हैं कि इस प्रकार की उल जुलूल हरकत न करके इन जो आदमखोर बाघ है इनको मारने की परमिशन दी जाए, जो कि हमारे बच्चे सुरक्षित रह सके।